हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो जैसे कि मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में बताया था कि काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, सो फाइनली आज एक ब्लॉग ला रहा हूँ मैं। एक या दो ब्लॉग होंगे अराउंड। तो ऋषिकेश जा रहा हूँ मैं हल्द्वानी से, एक मैरिज अटेंड करने अपने फ्रेंड की। सो इसलिए जा रहे हैं, मैं, चेतन और रितेश जा रहे हैं तीनों। सो ये रहने वाला प्लान। सो गाइस, बाइकें जा रही है हमारी दो, एक जा रही है स्क्रैम्बलर, एक जा रही है एमटी। हाँ, स्क्रैम्बलर में तो मैंने पीछे से लगेज बांध दिया है और ये बाकी अपना सामान है सारा। तो ये दो गाड़ियों में जाएगा, बाकी देखते हैं कैसे बैलेंस होता है। बाकी ठीक है, वो मैंने फ़ोन लगा रखा है नेविगेशन के लिए, उसने अभी पावर बैंक लगाया, चार्ज करेगा क्योंकि बाकी ऐसा सीन रहने वाला है। तो अब निकल रहे हैं, अब पता नहीं शाम के 4 बज चुके हैं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा निकलने में, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये रही अपनी गाड़ियाँ पीछे, चलो चलते हैं आपको आगे। तो गाइस, हमने अब ब्रेक लिया है थोड़ी देर के लिए। तो चेतन, क्या हुआ तेरे साथ? तू तो कुछ कह रहा था अभी। चेतन कह रहा है मेरे खून जम गया है पैरों में, पीछे खून जम गया। तो अब ऐसे ही वेट कर रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स होते हैं, बाइक को भी थोड़ा रेस्ट देते हैं, फिर निकलते हैं। अभी अराउंड 150 किलोमीटर बचा हुआ है, 150 किलोमीटर ऐसे तो हो जाएगा लेकिन थोड़ी रात हो गई है। जैसे हम आपको बताएगी कुछ ना बोलेगी, वैसे हम लेट निकले हैं। बाइक नहीं तो अब देखो, कोई नहीं, पहुँच जाएंगे टाइम से, फिर उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं। One eternity later. So guys, हमारा पोपट हो गया है। ये रितेश भैया ने जो रूम बुक किया था वो अंडर मेंटेनेंस है और पता नहीं कैसे बुक हुआ था, तो अब हम दूसरा रूम ढूंढने जाएंगे। और अभी हम पहुंच गए हैं, मतलब हरिद्वार और देहरादून के बीच में है, तो आज हम यहीं स्टे कर रहे हैं, कल ऋषिकेश जाएंगे। तो अभी आपको रूम लेते हैं, पहले ढूंढ रहे हैं, फिर उसके बाद आपको मिलता हूँ। सो गाइस, हमें रूम मिल गया था और अब हम बैठे हैं, खाना ऑर्डर कर रखा है। सो अब कल का प्लान है कि हम ऋषिकेश जाएंगे, तो अब आपको बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। आज का डे बहुत टायरिंग था, जैसे तैसे पहुँचे हैं गड्ढे से उछलते उछलते। सो अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, मिलता हूँ आपको कल। डे 2। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम आज ऋषिकेश जाएंगे, सो अब हम ऋषिकेश जाने के लिए निकल रहे हैं। सो ये रहा रितेश, ये तैयार हो गया है, फिर ये रहा चेतन, चेतन भी तैयार हो गया है, तो सब लॉक करते हैं रूम, फिर उसके बाद। सो गाइस, हम पहुंच गए हैं और ये दोनों भी आ गए हैं। सो ऋषिकेश आ गए हम, तो अब हम जाएंगे कौन सा रामझूला पुल हमारे बस पीछे है, अभी दिख नहीं रहा होगा, पेड़ आ रहा है, तो वहाँ से पार करना है उस साइड से, तो वो पार करेंगे और बाकी आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ। ये गंगा नदी, गंगा है ना। शाबाश बेटा। सो गाइस, काफ़ी गूगलिंग एंड रिसर्च के बाद हम एक कंक्लूजन पे पहुँचेंगे, उसी के उससे गंगा आती है। तो ये जो रिवर आपको दिख रही है मेरे पीछे, ये गंगा रिवर है, ठीक है? किसी को नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ सामने से, गंगा रिवर कहते थे। क्यों चेतन, नहीं पता था ना तुझे? किसको नहीं पता था? मैंने ही बताया था। सो गाइस, अब हम रामझूला पुल पार करेंगे।
सो गाइस यहाँ भी टग ऑफ वॉर चल रहा है, देखते हैं कौन जीतता है। मच्छर मच्छर तो हैं पूरे, वो एक उनकी जगह वापसी हो गई बेटे, कद्दू हुई वापसी, वापस खींच दिया कद्दू, खींच दिया पीछा था, देखो यार हार गए। सो गाइस अब हम जैसे ही यहाँ पहुँचे राम झूला पुल के नीचे, मतलब थोड़ा राइट आगे थोड़ा बैठने बैठने का मतलब ऐसा है, और वो पीछे मेरे पीछे वहाँ पे टग ऑफ वॉर चल रहा है, मैंने शायद दाल भी दिया होगा शॉट। ऐसी है फिर जगह तो बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। क्यों कैसी लग रही जगह? बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ इन्फेक्शन हो गया, बताओ बचपन से इन्फेक्शन है तेरे को? अच्छा बेटे अभी तक तो घर में तो नहीं बैठ रहा, कुछ भी चल रहा है कुछ भी। सो गाइस अभी ये हमें शिवा फॉल, रितेश हमें शिवा फॉल कह के यहाँ ले आया, मैं वो फॉल दिखाता हूँ, मेरे पीछे फॉल दिख रहा है, वो फॉल है, और जिस जगह से हम आते हैं वहाँ इसको गधेरा कहते हैं, और यहाँ ऋषिकेश में इसको फॉल कह रहे हैं, और ये देखो ये कल छुपाने से क्या होगा, खाली फालतू घुमा रहा है इधर से उधर, दो घंटे घुमा दिया पहले ऐसा फॉल निकल रहा था। क्यों चेतन कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? लगने लायक ही नहीं होता, लगने लायक तो छोड़ा ही। Later that same evening. So guys, हमने पार्किंग लगा दी, कौन से उसमें आया, नीरगढ़ झरने में आया, नीरगढ़ वाटरफॉल वहाँ आ रखे। चलन तू बोल, तो बोलना एक बार, भाई प्लीज तू बोल। तो गाइस हम नीरगढ़ वाटरफॉल पर आ रखे हैं, प्रैक्टिस करके आया, तो ये हमने गाड़ी लगा दी यहाँ पे, हम जा रहे हैं सीधे आगे को है, देखते हैं बाकी आगे बताते हैं आपको। तो ये एंट्री यहाँ से मतलब पैदल जाना है, गाड़ी हमने वहाँ लगाई है पार्किंग पे उस तरफ पे, और यहाँ पे यहाँ से पैदल वाटरफॉल तीन है, मतलब तीन एक ही वाटरफॉल है उसको, चले वो तीन क्या एक ही चीज है, वो एक तो वाटरफॉल है ऊपर का पानी नीचे का पानी उसको वही हो गया, एक नाली से दूसरी नाली तीसरी नाली, वाटरफॉल वन एक टू भी है। अरे तो वही चीज है ना, वो अरे बहस मत किया कर, तो चल भाई मैप में जो है हम ना गलत भाई गलत बातें कर रहा है ये चेतन, तूने फिर से चश्मा पहन लिया? पहला तो चश्मा क्यों पहना, तो वो तो छोड़ दो चश्मा कैसे पहन ले, अभी थोड़ी देर पहले तो आई फ्लू था, तुझे क्या था एलर्जी इन्फेक्शन दोनों हो गया साले, पहला झरना गाइस ये रहा, पहला ये हो गया ठीक है, और दूसरा ये हो गया, बस पहुंच गए, दूसरा ये तो है। अब हम अपनी हालत देखेंगे थोड़ी देर बाद, है करके पहुंचेंगे जो ऊपर, चलो देखते हैं। तो मैं तो इसको उठा के लाया हूँ कंधे में, तब हुआ ऐसा ठीक है, तेरे को कंधे में उठा के लाया
अरे पानी कैसा नीला दिख रहा है क्या? सो गाइस अब यहाँ घूम लिया, काफी थक गए हैं, उल्टा कपड़े कम हो गए हैं, बैग भर दिया, पूरा बैग दिखा दो, पूरा बैग भर गया हमने, सबने कपड़े एक एक कम करा है, वो काफी गर्म हो गया था, अभी भी गर्म ही हो रहा है। तो अब निकल रहे हैं यहाँ से और वापस, अब कहाँ जा रहे हैं? ढाबा बोल रहे हैं, कुछ खाना खाएंगे, कुछ खाना खाने के लिए ढाबा या रेस्टोरेंट कोई देखते हैं, ऋषिकेश में ही ढूंढेंगे, तो उसके बाद वापस घर को।